नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोल 5 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फोल 5 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फोल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फोल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फोल एक ब्रांड नेम है। फोल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन फोलिक एसिड 5 mg मौजूद होता है। फोलिक एसिड को विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। फोलिक एसिड शरीर में नई रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती हैं। यदि शरीर में रेड ब्लड सेल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती है तो शरीर में खून की कमी हो सकती है। शरीर में फोलिक एसिड की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, ध्यान लगाने में दिक्कत होना, सिर दर्द रहना, त्वचा और आंखों में पीलापन होना, घबराहट होना, जीभ और मुंह के अंदर घाव होना, हेयर फॉल होना आदि लक्षण शरीर में फोलिक एसिड की कमी होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों में फोलिक एसिड की कमी होती है उन व्यक्तियों में डिप्रेशन होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फोलिक एसिड को लेना बहुत जरूरी होता है। इससे होने वाले बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है और फोलिक एसिड कई जन्मजात रोगों से बचाव करता है। प्रेग्नेंट महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी होने पर होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे स्पाइना बाइफिडा और एनेंसेफली हो सकता है। स्पाइना बाइफिडा होने पर बच्चे की रीढ़ की हड्डी माँ के गर्भ में अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती है या अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाती है और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज में बाहर की तरफ एक उभार सा हो जाता है। स्पाइना बाइफिडा की वजह से बच्चे के पैरों में लकवा भी लग सकता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड टेस्ट के जरिए स्पाइना बाइफिडा का पता लगाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी जन्म के बाद ही स्पाइना बाइफिडा का पता चलता है। एनेंसेफली में बच्चे का दिमाग और सिर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। एनेंसेफली के साथ पैदा हुए बच्चे ज्यादा समय के लिए जीवित नहीं रहते हैं और ज्यादातर बच्चों की मृत्यु पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही हो जाती है। इसके अलावा फोल टैबलेट बच्चे में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट से भी बचाव करती है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में बच्चे के होंठ या तालू अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं और उनमें एक कट लगा होता है। यह समस्या भी बच्चे को मां के पेट में ही होती है, लेकिन इस समस्या को जन्म के बाद सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोल टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। फोल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फोल टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर फोल टैबलेट को प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले ही शुरू करने की सलाह देते हैं और प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह तक फोल टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह के बाद फोल टैबलेट को बंद करने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह तक शिशु की रीढ़ की हड्डी का विकास पूरा हो चुका होता है। हालांकि फोल टैबलेट को प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने तक भी लिया जा सकता है। इसकी वजह से माँ या शिशु को कोई नुकसान नहीं होता है। फोल टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको फोल टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अगर आप शरीर में फोलिक एसिड की कमी को प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों, कच्चे फलों और काजू, बादाम व अन्य ड्राई फ्रूट्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे फोल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और शरीर में फोलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने पर यह पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक, यानी लगातार 3 महीने से ज्यादा फोल टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए।
प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए फोल टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को फोल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका फोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।